अयोध्या जनपद के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि में मांस की बिक्री अवैध पशु वृद्ध की पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर श्री अयोध्या धाम पुनर्विद्युत समिति को लेकर साधु संतों के साथ कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को ज्ञापन सौंपा। समिति के संरक्षक पवन कुमार दास शास्त्री ने कहा कि अयोध्या जी सदैव से अहिंसा और तीर्थ की पवित्र भूमि रही है, किंतु अवैध रूप से संचालित पशु वृद्धशालाएं व मांस अंडे की खुली बिक्री के कारण तीर्थयात्री श्रद्धालुओं व आम जनता में विरक्ति एवं घृणा का भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या जिले में एवं 14 कोसी परिक्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के जीव वृद्ध के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। इसी मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मांस मछली इन सब का व्यापार और बाहर काटना ये दोनों ही प्रतिबंधित है। समय समय पे इसका एनफोर्समेंट बढ़ाया जाता है। अभी कुछ किसान बढ़ाए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि 14 कोसी परिक्रमा के आसपास इस तरह की कोई दुकान है तो वो ज्ञापन उन्होंने दिया है, उसकी ज्ञापन संबंधित को भेजा जाएगा। लेकिन उसमें हमारी जो खाद्य सुरक्षा के जो अभी अधिकारी हैं उनको लगा करके जाँच करा ली जाएगा। सर जिस तरह से अभी कुछ मनरेगा के मजदूर आए थे आपसे मिलने के लिए, पहली बार आज उन्होंने इस तरह का कोई कंप्लेंट दिया। ऐसा नहीं था कि पहले कभी दिया हो, सुनवाई नहीं, पहली बार आज उन्होंने ऐसा कंप्लेंट दिया। उसमें उनकी विधिवत सुनवाई करके कौन कौन लोग आए, किस किस काम पर उन्होंने काम किया था, उनको कितने दिन का काम किया था, उन्होंने भुगतान किया था। फिर ये भी उन्होंने कहा कि दूसरे लोग उन्होंने नहीं किया है उनको भुगतान किया, तो उसके भी नाम पूछ करके उन लोगों के भी नाम लिख करके विधिवत उनकी सुनवाई कर और सीडीओ को उसमें जांच करके करते हुए करने का निर्देश दिया और भुगतान। ये विषय है अयोध्या जी की जो 14 कोसी परिक्रमा है, उस परिक्रमा के भीतर में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा जो पंचकोसीय में सरकारी तौर पर और आज से बहुत दिन पहले से वर्जित है, वहाँ मांस मदिरा की बिक्री नहीं हो सकती है और किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं की जा सकती है, और यही स्थिति 14 कोसी परिक्रमा के परिधि में भी है। और किसी प्रकार का कोई कानूनी न कोई स्लाटर हाउस है, न कोई किसी प्रकार का लाइसेंस है मांस और अंडा इत्यादि बेचने का, और कहीं ना कहीं उनको काटा जाता है तभी तो ला करके बेचा जाता है। और सबसे बड़ी विकृति की स्थिति यह है कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर ही जहां वर्जित है बहुत दिनों से, वहां भी सट करके मांस की मदिरा की सबकी बिक्री हो रही है, और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है वहां भी खुलेआम ऐसे लटकाए रहते हैं। तो जब लोग परिक्रमा करते हैं एक पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, पवित्र भावना और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उन सब की मानसिकता बहुत विकृत होती है। छोटे छोटे बच्चे जब वो मरे कटे हुए खून और वो सब देखते हैं तो उनकी मानसिकता पर भी बहुत विकार का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने यह जो एक सांस्कृतिक नगरी है उसके जिलाधिकारी होने का एहसास कराते हुए हम लोगों ने यहाँ के जिलाधिकारी से यह आग्रह किया है कि यह 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है इसमें सभी प्रकार के जीव हिंसा पर, जो वन्य जीव संरक्षण जल जीव संरक्षण अधिनियम के तहत और जिसके लिए जिला प्रशासन ने ऋणमोचन घाट अयोध्या में, गुप्तार घाट में और कई जगह पर शिलालेख लगवाए हुए हैं कि अगर कोई सरयू जी में मछली का शिकार करता पाया जाएगा तो 25,000 जुर्माना, 7 वर्ष जेल की सजा होगी, तो ये सब बोर्ड तो लगा रखा है, प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जब इसके वास्तव में दर्शन करने की बात होती है, जब इसको लागू करने की बात होती है, तो सब लोग पता नहीं क्यों लापरवाही उदासीनता का बर्ताव करते हैं। तो ये हम लोगों के अयोध्यावासी साधु संतों से लेकर के और समग्र जनमानस की ये मांग है कि 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होने के पहले ही ये जो एक एक करके मीट शॉप हैं और जहाँ कहीं भी चोरी छिपे किसी प्रकार से जीवों का वध हो रहा है, इससे मृदा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बह करके सरयू जी में जा करके मिलता है, तो ये सब जो विकृतियां और विकार हैं जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं, जो आध्यात्मिक और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती हैं, जिलाधिकारी ठोस और एक समयबद्ध कार्यक्रम बना करके इसको लागू करें
और अन्यथा की स्थिति भी हम लोगों ने तय कर लिया है, क्योंकि ये लापरवाही सहते सहते यहाँ का जनमानस बहुत क्षुब्ध है।